नमस्कार ओम शांति मित्रों कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में आपका स्वागत है मित्रों पिछली कुछ कविताओं में हमने बात की थी सामाजिक मूल्यों के संदर्भ के बारे में साथ ही साथ दर्शन के संदर्भ के बारे में आज हम कवि की कृति मैं मुझे मिल गया में से एक कविता ऐसी है मेरे रथ को संभालो सांवरा इस संदर्भ में हम बात करेंगे व्यास जी से ज्यादा समय ना गवाते हुए आइए बात करते हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी जो राजस्थान बिलवाड़ा से आए हुए हैं स्वागत करते हैं व्यास जी आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत नमस्कार, है नमस्कार। व्यास जी पिछली कुछ जो कविताएं आपने हमें बताई सामाजिक दर्शन आज जो मैं आपकी इसमें मुझे मिल गया कि किताब में से मुझे कुछ एक ऐसी कविता बहुत पसंद आई मेरे रथ को संभालो सांपरा हम तो सांवरा तो कृष्ण को बोलते हैं जी ये इसी संदर्भ में।, में तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपने ये जो कविता लिखी इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं टुकड़े हैं कौस्तभ हैं बहुत मतलब मेरे मुझे समझ में भी नहीं आया लेकिन मुझे आनंद बहुत आया तो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ मेरी रथ को संभालो सांवरा मैं माया से भया बावरा इस कविता के बारे में आपका क्या विचार चला बहुत अच्छा विमर्श के साथ कविता और उसकी कुछ बारीक बातों पर हम सूक्ष्म संवाद करेंगे कुछ ऐसे निरुत्तर प्रश्नों के उत्तर कविता में आ जाते यहाँ यू समझिए मैं कुछ सोच के नहीं बोल रहा हूँ जी न मेरा कोई आक्रामक रूप है न मैं अपनी आइडेंटिटी को इस कार्यक्रम में कोई स्थापित करने की चेष्टा कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है जी इस कविता के बारे में बताऊँ आपको ये पुस्तक का नाम है मैं मुझे मिल गया जी ये तीन भागों में जी. इसमें अट्ठाईस कविताएं हैं इसके तीन भाग है जी 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 एक है अध्यात्म के संदर्भ में एक है सामाजिक संदर्भ में एक है राष्ट्रीय आयामों के संदर्भ में जी एक त्रिवेणी है जी ये समझिएगा इसमें एक तीन नदियों का समावेश किया गया जी तो मैं सोचता हूँ अब हम पूर्व में मैंने एक फिलॉसफी का गीत पढ़ा आपके दर्शन का गीत पढ़ा एक सामाजिक मूल्यों के बारे में पढ़ा मैं चाहता हूँ कुछ परिवर्तन के लिए अध्यात्म के एक घटक भक्ति के रूप में ये कविता आपने सहज में चयन करा है इसका तो मैं इसके बारे में बता दूं। जी, जी। ये एक शरणागति पर गीत है जी। जब हम बहुत ज्यादा व्यापार उद्योग सर्विस कर लेते हैं तो कोई न कोई व्यक्ति धार्मिक संस्कार लेके तो पैदा होता है चाहे वो किसी भी धर्म और संस्कार का हो भले पांच मिनट सही, बड़ी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है तब भी वो अपने घर से निकलते समय गणेश को अगर वो नमाजी है तो खुदा को ईसाई है तो वो बाबा को कहीं न कहीं उसमें भक्ति के संस्कार हैं तो मैं चाहता हूँ यह गीत मेरा बहुत पसंदीदा गीत है जी. और मैं यूँ समझिएगा शुरू से ही व्यास परिवार में होने के कारण गीता भागवत उपनिषद मानस इनके अध्ययन का संस्कार मेरे माता पिता मेरी मौसी जिसने मेरी लालन पालन किया जी, तो जी. कितने ही गुरुओं ने मुझ पे धार रखी हुँ. आप यू मत सोच लेना कि कोई ऑफ ऑन की तरह मैंने ये कविता यूँ लिख दी हो नहीं इसके पीछे हो सकता किसी जन्मों की साधना काम कर तो अब हम टॉपिक पे आते हैं ये गीत शरणागति पर है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब मैं भक्ति नवदा भक्ति में हुआ करता था तो पूजा पाठ हवन यज्ञ यात्राएं ये सारे अनुभव मेरे इस कविता में आएंगे आपको महसूस होगा तो ये गीत शुरू होता है मैंने माना कि ये शरीर मेरा एक रथ है और इंद्रियाँ इसके घोड़े हैं तो पहले मेरे को जब तक ईश्वर का भक्ति का स्वाद नहीं आया तब तक मैं मेरी गुण और व्रतियों को मेरे गुण और व्रतियां समझता था ये एक साधक की त्रुटि हो जाती जी जी जब मुझे इसके दुष्परिणाम महसूस हुए कुछ हानियां हुई कुछ फ्रस्ट्रेशन हुआ तो सहजमय मुझसे गीत निकला इसमें कुछ कन्फेशन भी है बहुत स्वीकारोक्तियाँ भी है जब हम गीत की पंक्तियों के साथ आपसे मुखातिब होंगे तो कविता जी आपको बहुत अच्छा लगेगा इसकी पहली लाइन मैं दोहरा दूँ तो आपको गीत में सुविधा रहेगी पहला गीत है रथ तैयार होता है उसकी धुन रिदम कंपोजिशन देखेगा आपको आनंद आएगा मैं भक्ति में भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे रथ को हा हा मेरे रथ को रथ तैयार है घोड़े जोत दिए गए अब मैं लगाम के जरिए अब मैं उसको का शुभारंभ करता हूँ यात्रा शुरू होती है, गीत के जरिए मेरे रथ को हाँ हा मेरे रथ को हो, हो मेरे रथ को संभालो सांवरा मैं माया से बया आप समझ मत? गई होंगी कि एक तो सांवरा शब्द लाया मैं जी, इसमें जी, जी. और एक लाया कि मैं अपने रथ को अपने हिसाब से खूब चलाया प्रभु कुछ मेरा रथ डगमगा गया या यूं कहिए गड्ढे में गिर गया अब आप इसे संभालो, संभालो। यहां से एक एप्लीकेशन एक प्रेयर एक प्रार्थना एक अहोभाव में भगवान को दे रहा हूं वहां मैंने कृष्ण के लिए सांवरा शब्द का प्रयोग किया है अब आप इसके क्या अर्थ लें, क्या पूछें, हम गीत को आगे बढ़ा जी जरूर भटका में गली गली अटका अटारे। पूरा पढ़ दीजिए जी माया की मदिरा पी हाँ। चढ़ाली खुमारी अच्छा। भक्ति के गंगा जल ने दशा है सुधारी हाँ। ज्ञान के उस सूरज से चमका मैं मुरारी अब आप देखिए यहाँ कृष्ण के लिए मैंने दो तीन शब्दों का प्रयोग किया एक सांवरा शब्द का प्रयोग किया है भक्ति में सांवरा कृष्ण को कहते हैं जी जरूर लेकिन ज्ञान के संदर्भ में हम कृष्ण को सांवरा नहीं कहते जी ये माया क्या करती है इसमें ऊपर आया मैं माया से भया भाव माया है कि जो दिख रहा है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है इसका नाम है माया तो ये माया विकारों के संदर्भ में भी है और बॉडी कॉन्शियस जो लोग हैं वो माया के अधीन हो जाते हैं जब भक्ति से हम ज्ञान के पथ पे चलते हैं तो आपको लगेगा कि सोल कॉन्शियसनेस भी कॉन्सेप्ट है जिसे ज्ञान कहा गया अब बार? मैं इस गीत के पहले बंद को गा के सुनाता हूँ भटका मैं गली गली यहाँ गली गली का अर्थ चौरासी लाख योनिया ये मनुष्य देह मुझे भगवान की कृपा से मिली और माता पिता इसमें मेरे निमित्त बने बट का म, या मैं का अर्थ जीव भाव में अभी यह जीव शिव बना नहीं है अभी आत्मा के साथ चिपका हुआ जीव है और ये जीव अपने आप को सर्वोच्च समझ रहा जबकि ये भ्रामकता जी तो यहां क्या होता है कि आत्मा न तो छोटा होता है न बड़ा होता है जी। जीव छोटे से बड़ा होता है तो कैसे देह में हम जीव और आत्मा इसको मिला करके जो जॉइंट जीवात्मा कहते हैं उसका विभेदीकरण ही भक्ति है यह आगे जाके ज्ञान है पहला बंद देखेगा भटका में गली गली अटका अटारी ये अटारी है मेरा गृहस्थ जीवन चौरासी लाख योनियों से गुजरता गुजरता मैं इस मनुष्य जीवन में आया माता पिता के साथ बचपन में पला पढ़ा बढ़ा फिर मेरा विवाह हुआ और विवाह के इस विवाह गांठ में इतना उलझ गया मैं कि ये मेरी अटारी बन गया इससे आगे मेरी ग्रोथ रुक गई मुझे ऐसा लगा भटका में गली गली अटका अटारी माया की मदिरा पी एक शराब है माया जी जी। पद की है प्रतिष्ठा की है यश की है ऐश्वर्य की है ली है मैंने महसूस मैं कर रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति पहले उसी पथ पे जा रहा माया की भक्ति गंगा जल ने दशा है सुधारी ज्ञान के इस सूरज से चमक मैं मेरे रथ को सा मेरे रथ को हो मेरे रथ को संभालो सांवरा मैं माया से भया बावरा जब मैं ये गा रहा हूँ तो आपको लगता है जैसे कृष्ण की मुरली बज रही है जी जी जी। तो जो म्यूजिक का बैकग्राउंड मेरा रहा उसने इस कविता में एक यू समझिएगा एक रससिक्तता बढ़ा दे दी तो पंक्तियाँ इसमें आई कि भक्ति के गंगा जल ने मेरी ये अहंकार की जो मदिरा मैंने पी ली जब मैं भक्ति के संदर्भ में आया तो इस गंगा जल ने मुझे पवित्र किया लेकिन इससे आगे की एक और स्टेज है कि जब ज्ञान का सूर्य उदित हुआ तो माया के सारे विकार के बादल छट गए ज्ञान और भक्ति का एक मणिकांचन योग अगर मुझे कोई श्रोता मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, लेकिन मैं कविता में एक बारीक बात बताई कि माया के कारण जीव भ्रमित हो जाता है और भक्ति का गंगा जल वो स्वीकार करता है तो उसमें कुछ सुधार होता है और अगर गुरु की कृपा से और उसके एफर्ट से वो ज्ञान के क्षेत्र में आ जाए तो ज्ञान का सूर्य उदित हो जाने के बाद तो कविता जी आप समझती है चारों ओर जगमगा बिल्कुल जरूर दूसरा बंद जरूर कांच के टुकड़े को लिया कौस्तुभ को छोड़ा आगे ये कौस्तु अभी बता तो, तो एक होती है। आगे मैं अंतर धन खो दिया रे हाँ, जगत, जगत में ही दौड़ा दौड़ा भजन के इस साधन से विषय में उलझा उलझा पर, पर तेरे बिना काना जीवन नहीं सोचा क्या बात है बहुत अच्छा अब तो दरस मुझको दो सांवरा अब देखो इसमें अंतिम पंक्ति है अब तो मतलब मैं परेशान हो गया हूं अब तो दरस मुझको दो सांवरा मैं पहला बंद इसकी पहली कड़ी से वापस शुरू करता हूँ कांच के टुकड़े को लिया कोस्तुभ को छो कोस्तुभ एक मणि होती है और कविता जी मणि को किसी तेल और बाती की जरूरत नहीं होती मणिया स्वयं प्रकाशित होती है स्व प्रकाशित होती उसे किसी और के प्रकाश की जरूरत जैसे चंद्रमा को सूर्य के प्रकाश की जरूरत हो सकती है लेकिन सूर्य को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं तो क्या है कांच के टुकड़े को लिया मतलब मैंने भौतिक पदार्थ ही इकट्ठे किए और उन्हीं में मैं उलझ गया कांच के टुकड़े को लिया कौस्तु को, को छोड़ा अंतर धन को दिया ये श्वास हमारा अंतर है क्या बात है इन श्वासों की इक्कीस हजार छह सौ श्वासें हैं हम इन सांसों को इसलिए दिया भगवान ने कि हम इसके जरिए आत्म साक्षात्कार कर परमात्मा को प्राप्त करें और चोरसी के जन्म चक्कर से मुक्त हो जाए दोबारा गर्भ में नहीं आए की बाते? बड़ी वेदांतिक बातें इसमें आई है कांच के टुकड़े को लिया कौस्तुभ को, को छोड़ा अब मैं कन्फेशन कर रहा हूं मैं स्वीकार कर रहा हूं कि एक साधक के साथ ये त्रुटि हुई है कांच के टुकड़े को लिया कौस्तुभ को, को छोड़ा अंतर धन को दिया जगत में ही दौड़ा भजन के इस साधन से विषयों में उलझा जिस उद्देश्य के लिए मुझे ये शरीर मिला ये भजन करने के लिए मिला और मैंने विषय और विकारों में डाल दिया क्या यही त्रुटि हुई भजन के इस साधन से विषयों में उलझा पर तेरे बिना काना नहीं, नहीं सुल जा तो मुझ मैं घबरा गया प्रभु इस शरीर का मैंने दुरुपयोग किया जिस शरीर और इंद्रियों से मुझे तुझे पाना था मैंने पदार्थ पा लिए अब मैं घबरा गया हूँ ठीक उसी भांति जैसे शायद द्रौपदी घबरा गई थी और अंत में उसने वसुदेव कृष्ण को पुकारा और वहाँ उस पर कृपा हुई तो ये जो बात मैंने कही कि मैंने कौस्तुभ को छोड़ा है कौस्तुभ होता है ज्ञान प्राप्त कौस हो ज्ञान की मणि उसे प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहता जी, है जी. ये इसका तो अभी इसमें मैंने अभी एक एक बात अभी मुझे ध्यान में आई कि कोड़ी? जैसे आपने ये सब चीजें जो आपने बताई ये तो एक पारिवारिक संबंधों में सामाजिक में रहते हुए ये सब बातें आती है तो इसका मतलब ये बोला जाएगा कि मनुष्य उन सब चीजों में उलझा हुआ है ये जन्मों के संस्कार है मैं बता रहा हूँ मैं चीटी भी था मैं हाथी भी था मैं हिंसक पशु भी था तो यहाँ तक यात्रा करने में जो चौरासी जन्म जो हमारे ज्ञान के मार्ग वाले भी मानते हैं तो यहाँ आते 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 धीरे-धीरे संस्कार टूटते हैं और हमारे तो पारिवारिक या सामाजिक में रहने वाले लोग हैं वो कैसे अपने आप यही तो भक्ति है यही तो ज्ञान है बैलेंस रखना ऐसा है हमारी नाव पानी में रहनी चाहिए लेकिन नाव में पानी नहीं घुसना जैसे कमल का फूल कीचड़ और जल में रहता है लेकिन वह उससे उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ऊपर है इसीलिए नॉन अटैचमेंट होना चाहिए काम करना चाहिए पर आसक्ति के साथ नहीं करना चाहिए काम करना चाहिए पर फलाशक्ति के कारण नहीं करना चाहिए तो ये गीत कोई मनोरंजन का तो नहीं है लेकिन इसमें साधकों का भी वर्णन है और सिद्धों का भी वर्णन है जो अगले बंद में आएगा दूसरा बंद लीजिए अगला है मेरे मन में मन के घोड़े ने छोड़ा साथ, का कलश ये मुझे तेरा, तेरा सुमरिन ना छूटे सांवरा इस बंद में आर्त नाद आर्थ जैसे एक कोई दुखी आदमी अपने किसी आदर्श को अपने गुरु को परमात्मा को पुकारता है न कविता ऐसी इसमें एक आर्थ वेदना आई है इसको मैं गा के सुनाता हूँ आपको सारे अर्थ समझ में मेरे मन के मेरे मन के घोड़ों ने छोड़ा था साथ बड़ी प्यारी व्याख्या मेरा शरीर एक रथ है और मेरा मन उसको चला रहा है तो मेरे मन ने क्या किया घोड़ों के साथ उनको कैसे चलाना चाहिए इंद्रियों के घोड़ों को ये मेरे मन को बोध नहीं है क्योंकि इसका सारथी तो आत्मा है जी जी मेरे मन के घोड़ों ने छोड़ा था साथ मेरे मन के अश्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच घोड़े ही तो लगे हुए हैं इस रथ पे इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरी क्या दुर्दशा हुई मेरे मन के घोड़ों ने छोड़ा था साथ ये समझ में आया जी अब शरणागति अब उनकी ये लगाम है तेरे हाथ जैसे कोई व्यक्ति उससे कोई अपराध हो जाए और वो बचने के लिए किसी वकील के पास जाके कहे साहब अब संभालो आप ऐसे भक्त अपने प्रभु को ये रिक्वेस्ट भेज रहा है क्या है? मेरे मन के घोड़ों ने छोड़ा था सा लगाम है तेरे हाथ सुपथ पर दौड़ेगा पाएगा तुझे पहले मैं गलत रास्ते पर गया इसलिए परमात्मा नहीं मिला जब मैंने बात? प्रभु को कहा कि प्रभु शरीर मेरा है घोड़े मेरे हैं लेकिन चलाओ आप जब से भगवान ने निराकार ने मेरी इस डोर को संभाला तो ये सुपथ पर चलने लग गया सुपथ क्या होता है कर, कविता जी सही किसी दूसरे के लिए कुछ करना ये सूपत है <laughs> और गलत पथ है केवल अपने लिए करना ये बड़ी बारे है सुपथ पर दौड़ेगा पाएगा तुझे भगवान से मिलने के बाद अमृत का कलश ये मुझे तेरा ना तेरा सुमिरन ना पहले तो मैं पांच मिनट सुमिरन करता था कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता अपनी शॉप पे ऑफिस पे जाता प्रणाम कर लेता फिर तेईस घंटे भूल जाता कहाँ भगवान है अब मैं इसमें कह रहा हूँ हे hey, प्रभु तेरा सुमिरन अब मत छुड़ाना तेरा सुमिरन ना छूटे सांवरा ये जब मैं आलाप गाता हूँ तो आपको लगता नहीं कि कृष्ण की बात बहुत अच्छा मुझे वही जो एक मध्यम आ, आलाप अंतरा एक ऐसे वैसे चा... वो इसलिए आएगा कि स्वरों वा ब्रह्म न इति मैंने स्वर की उपासना चौदह साल तानपुरा लेके जब 4 बजे रियाज पे बैठ जाता था ना तो मैंने सोचा कि स्वरी ब्रह्म फिर मुझे लगा कि मैं शब्द का भी चीते रहा हूँ तो बाद में आया कि वा ब्रह्म शब्द ब्रह्म hmm. और अब तो सच ये मैं इस एपिसोड में आया हूं। वरना मुझे चुप रहना कविता जी बहुत अच्छा लगता है अब बात? तो निशब्द जितना अच्छा लगता है ना लेकिन तो आप इतना... चुप रहेंगे तो हमारी इन कविताओं को कौन चलो मैं पे। समय समय पर मुखरित होता रहूंगा जी जरूर जरूर इस शरीर को मैंने मेरा ही माना बहुत अच्छा। जी तो इससे भिन्न दूर, दूर ऐसा, ऐसा, क्यों, जाना अब आप रुकिएगा इसको एक साथ मत लीजिए इस बंद में और गहरा भक्त का स्वरूप देखेगा इस शरीर को मैंने मेरा ही माना ये साधक की एक त्रुटि है जी। हमारे यहाँ एक जॉइंट चीज है आई एंड माई इसको सेपरेट करना साधना है ये आई और माई क्या है एक पानी का नारियल होता है जिसकी गिरी अंदर चिपकी रहती है जी। ये आई और माई लेकिन जब वो पानी सूख जाता है कविता जी तो आपका पता शिव के डमरू की भांति जब अंदर का चैतन्य इस बॉडी कॉन्शियस से अलग हो जाता ना उस नाद की मस्ती ही और है ये मैंने इसमें निवेदन किया इस शरीर इस शरीर को मैंने मेरा ही माना क्यों माना भाई आपका है ही नहीं ये गिफ्टेड चीज है ये माता पिता और परमात्मा के वरदान से हमें ये चीज मिली तो ये शरीर मेरा नहीं मैं शरीर में रह रहा हूं ये मेरा नहीं है इस शरीर को मैंने मेरा ही माना दूसरा बंद देखेगा तू मुझसे भिन्न दूर ऐसा क्यों जाना अविद्या के कारण ऐसा जाना एक तो भगवान दूर रहता है मंदिरों में तीर्थों में एक तो ये त्रुटि हुई और एक वो मेरे से अलग है वो दूर है मेरे से अलग है ये भ्रांतियां ज्ञान आने के बाद कविशास जी मेरी छठी है इसलिए मैं साधक की त्रुटियां भी बता रहा हूं और अब उसको सन्मार्ग पर प्रभु कहाँ ले जाता वो भी बता रहा हूं इस शरीर को मैंने मेरा ही माना मानना नहीं चाहिए तू परमात्मा के लिए शब्द है तू मुझसे भिन्न दूर ऐसा क्यों जाना तूने इधर दर्श दे के मुझकोबारा भव सागर में डूबा तूने तारा साथ ना छोड़ना सांवरा साथ ना छो अब यहाँ तो व्याख्या मत करवाओ नहीं बोला जाता जब हम <laughs> उसमें डूब जाते हैं ना तो शव अभिव्यक्तियाँ बोनी पड़ जाती जब hmm. अनुभूतियाँ अंदर गहरी हो जाए तो मैंने ये कहा कि हे प्रभु अब मुझे इस माया से तूने दर्श दे करके अब तू मेरा साथ मत छोड़ क्या बात है बहुत अच्छा आपने हर एक पंत, पंत पंक्तियों को इतनी बारीकी से उसको व्याख्या किया कि मन भी एक बिल्कुल शीतल हो गया अगला शायद मैं नहीं हूँ मैं मैं क्या व्याख्या करूँ लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जब माया की काली में मुझसे हट गई मेरे मक्खन में एक बाल की तरह माया आ रही थी जिसको कहते हैं कर्ता भाव ये मैं कर रहा हूँ नहीं जब से मैं ज्ञान में आया मैं हर चीज का निमित्त बन गया अभी ये जो पार्ट अदा कर रहा हूँ ये इसके समाप्ति के बाद मैं डिलीट कर दूंगा मुझे ऐसा नहीं रहेगा न मुझे मेरे चित्र देखने का या मुझे क्या रेस्पॉन्स में कोई नहीं। जिसको जो जो चीज झिसकी है वो वहां तक पहुंच जाए कविता जी, जी। ये ईश्वर के कोई लीला कहिएगा कि आप लोगों ने एक कवि और कवि की कृतिका जो एक नया नवाचार और इनोवेशन शुरू किया मेरी आपको हार्दिक बधाई और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसे बेहतरीन कवि और कलाकारों से आपको इंट्रोड्यूस जी, जी, मैं स्वयं तो हुई मैं अपने साथियों के साथ फिर फिर प्रस्तुत हूंगा यदि आपके वेलकम और आपकी कृपा का इशारा मुझे मिला मोह मेरा नष्ट हुआ सुरती हुई मेमोरी अच्छा स्मृति जी जी हाँ। तेरी कृपा से जीता हारी हुई बाजी अब आप इसमें कृपा शब्द पहले क्या होता था मैं कोई चीज मैच जीतता था तो मैं समझता था कि ये मेरी योग्यता मेरा एफर्ट मैंने ज्ञान में आने के बाद लगा कि ये तेरी कृपा थी रे ये खेल तू ही कर रहा था अंतिम बंद है यहाँ गीता का एक यू समझिएगा एसेंस आया है गीता का जो अर्थ है वो है नष्टो मोहा स्मृति लव जब मेरा मोह नष्ट हो गया कृष्ण का एक नाम मोहन भी है मोहन उनका नाम मोहन इसलिए है कि उसमें कहीं मोह नहीं है सोलह हजार पटरानियों का अधिष्टा था रुकमणी राधा जैसी शक्तियों के साथ मीरा के साथ जिसका प्लेटोनिक लव बताया जाता है अशरीरी संबंध है ज्ञान वाले इसको बड़ी बारीकी से लेंगे मैं या वो व्याख्या नहीं कर रहा हूँ अंतिम की व्याख्या करता हूँ मोह मेरा नष्ट हुआ झटके लग लग के मेरा मोह नष्ट हुआ इस संसार ने मैं जिसको अपना समझता था मौके पर जब परीक्षण के लिए आए तो मुकर गया मैंने जिनको उस समय धन से सहयोग से शरीर से कॉन्फिडेंस से सहयोग किया जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने मना कर दिया शायद ये झटके लगने के कारण ही ये जीव संसार से परमात्मा की ओर आता है भगवान खुद खींचता तो मोह मेरा नष्ट हुआ जब मोह नष्ट हो जाता सुरति हुई ताजी अरे मैं कौन हूँ चिदानंद रूपम शिव हम शिव मैं जीव मैं तो दुनिया का देने वाला उस परमात्मा के संतान हूँ जिसका स्वभाव है देना मैं कहा लेने आ गया कविता जी प्रेम का अर्थ ही होता है ओनली टू प्रोवाइड नॉट टू गेन प्राप्त नहीं करना है केवल बांटना है मोह मेरा नष्ट हुआ सुरति हुई ताजी अगली पंक्ति सुनिएगा तेरी कृपा से जीता हारी हुई बाजी अगर मैं माया में ही लगा रहता ना तो मरने से पहले मैच हार जाता कविता जी इस समय दे छूट जाए गारंटी वैकुंठ में जाऊंगा क्योंकि तो कोई इच्छा ही नहीं रही मेरी ये भी इच्छा नहीं कि ये एपिसोड हो मुझे आप प्रस्तुत करें लीला है पार्ट कर रहा हूँ वो करारा है उस पर मेरी स्वीकृति है क्या बात मोह मेरा नष्ट हुआ सुरती हुई ताजी तेरी कृपा से जीता हारी हुई बाजी। अब मेरा संकल्प देखेगा जन्मों से बिछुड़ा हुआ तुझसे मिलूंगा कीचड़ में रहता हुआ फिर से खिलूंगा मेरा गोवर्धन क्या बात मैं वो गोवर्धन तो बहुत छोटा था मेरे कर्मों का और पापों का बोझ इतना है कन्हैया तुम्हारा हाथ डगमगा जाएगा फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ जी, जी. सुरती हुई तबार बार गाने का मन होता है जी जरूर मैं भी मोह मेरा नष्ट हुआ सुरती हुई ताजी तेरी कृपा से जीता हारी हुई बाजी सारा काम भगवान नहीं करेगा आपको भी करना पड़ेगा hmm. जन्मों से भी छुड़ा हुआ तुझसे मिलूंगा मेरा संकल्प की में रहता हुआ फिर से खिलूंगा मेरा गोवर्धन हमारा गोवर्धन उठा सांवरा मेरा गोवर्धन उठा सांवरा मैं माया से बया बावरा मैं माया से बया बावरा मेरे रथ को हाँ, हाँ मेरे रथ को मंजिल आ गई है मैं घोड़ों को अलग कर रहा हूँ हाँ मेरे रथ को हाँ मेरे रथ को हो हाँ मेरे रथ को संभालो सांवरा मैं माया से बया बावरा मैं माया से बया बावरा क्या बात है बहुत अच्छा ऐसे घोड़े अच्छा। जाके विश्राम करें मैं तो कविता जी चाहता हूँ कि जब मैं इस देह को त्यागूँ तो भगवान की तरफ मेरी नजरें हो और जैसे सांप अपने कैचुल उतारता है ऐसे मैं अपनी बॉडी से अलग होके उस परम धाम में निवास करूं, जहां से मैं सृष्टि के मंच पर अपना पार्ट बजाने के लिए आया आपने मेरे गीत को बहुत बहुत हृदय से स्वयं ने भी सुना और मेरी ऑडियंस तक पहुंचाया, जो भी इस गीत को सुने मेरा कोई अहंकार नहीं ये श्रोताओं का भाग्य होता है कि ये न जाने मुझसे कौन कौन से हीरे जवान लेते हैं मैं आपके संयोजन को आपकी प्रश्नोत्तरी को और आपकी सादगी और मस्ती को भी मैं प्रणाम तो क्या करूं पर मैं आपको आशीष जरूर दूंगा शुक्रिया, कि शुक्रिया। अगर ऐसे बच्चे में आप जैसे बच्चों के एंकरिंग करने वालों के लिए एक डायलॉग कहता हूं कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते पर आप जैसे बीजों को बचा सकते हैं जिससे नए उद्यान शुक्रिया जी जरूर शुक्रिया आपने ये कविता मेरे रथ को संभालो हम मैं तो इसको भक्ति मार्ग की तरफ ही लेके जा रही दिल्का, थी दिल्का। जब मैंने इसको पढ़ा लेकिन आपने इसको, है इसमें। जी आपने जी, इसको इतना बारीकी से ज्ञान की तरफ भी लेके गए आपने इसमें आत्मा परमात्मा अपनी कर्म इंद्रिया साथ में हिसाब किताब जो भी आपने बताया कि कैसे परमात्मा हमारे साथ रहते हैं अगर हम परमात्मा को सब कुछ सौंप दें आपने ये सब कुछ इस कविता में बताया मुझे बहुत अच्छा लगा व्यास जी आपका हमारे कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नहीं आप हमारा भी बोलो अभी मेरा भी हो गया। <laughs> जी जरूर आप अपने कार्यक्रम में आए आपका व्याकरण शुद्ध करेंगे तो हमारे संस्कार भी अच्छे बनेंगे जी जी आप मुझे गैर नहीं समझे जी जरूर उम्शंती। उम्शंती। मित्रों सुना आपने मेरे रथ को संभालो सांवरा कितना अच्छा था मन ऐसा कर रहा था जैसे कि हम बार बार इसको सुनते रहे इसमें आत्मा परमात्मा के बारे में पूरी व्याख्या बताएगी कितना बारीक से इसमें बताया गया कि कैसे हम आत्मा परमात्मा को परमात्मा को याद करते हैं अपने छोटे छोटे कर्मों को भी अच्छा संभाल कर चले तो परमात्मा हमारे साथ रहता है कैसे हम दूसरों की मदद करें तब भी परमात्मा हमारे साथ रहता है अपनी सारी परिस्थितियों को परमात्मा के हवाले कर दो देखो कैसे वो हमारे साथ चलता है कहती हैं एक कदम तुम रखोगे तो हजारों कदम साथ चलने के लिए परमात्मा आपके साथ रहेगा इसी कड़ी को यहीं पर समाप्त करती हूँ अगली कड़ी में नई कविता लेकर व्यास जी के साथ नए कार्यक्रम में उपस्थित होती हूँ तब तक के लिए नमस्कार ओम शांति